दोस्तों नमस्कार, आज सभी का स्वागत है। आज 1 अगस्त 2019, आज से एशेज और टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। इंग्लैंड में आज से टेस्ट क्रिकेट खेली जाएगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, धन्यवाद। इंग्लैंड में आज से टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज एशेज की शुरुआत हो रही है। इसी ऐतिहासिक सीरीज के साथ आईसीसी की नए कार्यक्रम टेस्ट चैंपियनशिप का भी आगाज हो जाएगा। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने के मकसद से टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत की है। पहली बार वनडे का वर्ल्ड चैंपियन बनी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए आज से एक और बड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। बस क्रिकेट का फॉर्मेट अलग है, विश्व विजेता के सामने अब क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता में से एक एशेज सीरीज सामने आए हैं, जहां वह बर्मिंघम में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से लोहा लेगा। खास बात यह है, आज से इसी टेस्ट के साथ टेस्ट चैंपियनशिप की भी शुरुआत हो रही है, जिसे क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए इस खेल की ग्लोबल संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शुरू किया है। वर्ल्ड कप में जीत के बाद इंग्लैंड एशेज टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर घरेलू सीरीज सीजन का अंत दोहरी कामयाबी के साथ करना चाहेगा। वर्ल्ड कप अगर 50 ओवर के फॉर्मेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है तो टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए एशेज से बढ़कर कुछ नहीं है। पिछले कई वर्षों में यह इंग्लैंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण घरेलू सीजन है और इसकी शुरुआत पहली बार वर्ल्ड कप जीत कर की है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। टिम पेन के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज जीतकर साउथ अफ्रीका में पिछले साल बॉल टैपलिंग एपिसोड को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगा, जिसके कारण पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बैंकक्रॉफ्ट को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। एज वेस्टर्न में इन तीनों बल्लेबाजों की खेलने की उम्मीद है और बैंकक्रॉफ्ट को भी उसी तरह की हुटिंग का सामना करना पड़ सकता है जैसा वर्ल्ड कप के दौरान वार्नर और स्मिथ को झेलना पड़ा था। बैन के बाद वार्नर स्मिथ टेस्ट में वापसी को बेकरार है। हालांकि स्मिथ, वार्नर और बैंकक्रॉफ्ट तीनों ही बैन के बाद लंबे फॉर्मेट में वापसी करते हुए खुद को साबित करने के लिए बेकरार होंगे। वार्नर ने वर्ल्ड कप में भी बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया टीम 19 साल से इंग्लैंड में एशेज सीरीज जीतने में नाकाम रही है और उसके बल्लेबाजों को सीम गेंदबाजी के अनुकूल पिचों पर ड्यूक गेंदों के सामने जूझना पड़ा है। मेजबान इंग्लैंड के लिए भी कुछ चिंता की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश टीम पूरी तरह आश्वस्त है। वर्ल्ड कप के स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी वाली इस टीम को पिछले हफ्ते आयरलैंड ने लॉर्ड्स पर एकमात्र टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ 85 रन पर ढेर कर दिया था, जिससे टीम के टॉप ऑर्डर की कमजोरी उजागर होती है। इंग्लैंड हालांकि आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट जीतने में सफल रहा था, लेकिन फिर भी ये एक परेशानी का सबब है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की दोबारा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की योजना है, जिससे कि सरे के रोरी बल्स और जेसन रॉय की नई ओपनिंग जोड़ी की मौजूदगी वाले टॉप ऑर्डर को मजबूती मिल सकती है। इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक की कमान एक बार फिर जेम्स एंडरसन के हाथों में होगी, जो वनडे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इंग्लैंड की टीम ने मैच की पूर्व संध्या पर ही अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी करने वाले जोफ्रा आर्चर को उम्मीद रही होगी कि वह ऐतिहासिक जीत सीरीज की शुरुआत के साथ ही अपना टेस्ट कैरियर का आगाज कर लेंगे, लेकिन अभी अपने टेस्ट डेब्यू के लिए उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। पहले टेस्ट में आर्चर को जगह नहीं मिली है। इंग्लैंड के प्लेइंग 11 से रोरी बर्न्स, जेसन रॉय, जो रूट जो कप्तान है, जो डेनली, जोस बटलर, बेन स्टोक्स, जॉनी ब्रेस्टो विकेट कीपर होंगे, मोइन अली, किस वॉक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन। वहीं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की भी कुछ संभावना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस प्रकार है: टिम पेन कप्तान, कैमरून बैंकक्रॉफ्ट,
पैट कमिंग्स, मार्कर हैरिस, जॉस हेजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशाने, नाथन लियोन, मिचेल मार्श, मिचेल नेसीर, जेम्स पैटिनसन, पीटर सिडल, स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क, मैथ्यू वेड और डेविड वार्नर। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो कल अपने 11 खिलाड़ी अनाउंस करेगी। दोस्तों, एशेज की और जानकारी के लिए इस समय सब्सक्राइब करें और आने वाले एशेज की ताज़ा जानकारी की सूचना पाते रहें। प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।